नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विप्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग डेली करंट अफेयर्स सेशन को डिस्कस करते हैं और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस डेली करते हैं, जिसमें आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, उनके बारे में क्या और जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 13 to 17 जून। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन 13 से 17 जून तक किस शहर में किया जा रहा है? तो अगर हम बात करेंगे स्क्वैश विश्व कप की, तो ये कहाँ पे हो रहा है? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या अहमदाबाद? तो ये आपका कहाँ पर हो रहा है? ये आपका चेन्नई के अंदर हो रहा है, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ये हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या दिया है आपका, डिस्क्रिप्शन दिया है आपका, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन दिया है आपका, तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में स्क्वैश, चेन्नई की बात करेंगे, स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया। स्क्वैश विश्व कप चौथा संस्करण है जो 13 से 17 जून तक चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू रायपेटा में आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप में भारत, चीन, जापान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र सहित 8 देश पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको कंट्रीज का नाम याद रखना है कि कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर होगा? तो ये आपका चेन्नई के अंदर होगा, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, जिसमें आपकी भारत होगा, चीन होगा, जापान होगा, मलेशिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ये 8 कंट्रीज होंगी। तो आपको 8 की 8ों कंट्रीज का नाम याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इन जून 2023 विच रेलवे स्टेशन हैज अचीव्ड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन फ्रॉम फसाई। ठीक है, तो फसाई से जो किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त किया गया है? ठीक है, तो किस स्टेशन ने आपका ईट राइट प्रमाणन मिला है किसको? तो जैसे यहाँ पे दिया है बड़ौदा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी, भोपाल या वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो जो आपको ईट राइट का जो स्टेशन का जो अवार्ड मिला है या प्रमाणन प्राप्त हुआ है, वो मिला है आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। किसको मिला है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ये आपका प्रमाणन मिला है, गुवाहाटी को। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, गुवाहाटी को ये प्रमाणन दिया गया है। एक मिनट, हाँ, अगला दिया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। क्या हो रहा है भाई? गुवाहाटी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बाकी आगे बात करेंगे तो प्रमाणन मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं को का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है? जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनको दिया जाता है। यह दर्जा पाने वाला यह स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है। तो आपको याद रखना है कि जो पूर्वांचल के रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है ना, जो आपके ईस्ट इंडिया के जो रेलवे स्टेशन हैं, उसमें जो गुवाहाटी है वो पहला रेलवे स्टेशन आपका है, पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं, मानक स्थापित करते हैं। ठीक है, स्टेशन को 1 से 5 की रेटिंग के साथ FSSAI अनुसूचित तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। मतलब उनको रेटिंग दी जाती है कि 1 से 5 तक, और उसके रेटिंग के आधार पर ही उनको ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मंथली पेंशन फॉर द पद्म अवार्डीज ऑफ द स्टेट्स। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है?
तो मासिक पेंशन की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश ने। तो ये जो मासिक पेंशन है और किसके लिए, जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित विजेता हैं उनके लिए, तो ये किसने की है? ये की है आपकी हरियाणा ने। किसने की है? हरियाणा ने इसको किया है, ठीक है, हरियाणा के द्वारा ये किया गया है। चलिए आगे बात करेंगे हम, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। मासिक पेंशन के अलावा मुख्यमंत्री ने हरियाणा के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए राज्य सरकार के वोल्वो बस, जो वोल्वो बस है उसमें मुफ्त सेवा, जो मुफ्त यात्रा सेवा क्या की है, देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र योजना, परिवार पहचान पत्र योजना लागू की है, ठीक है, जिसके अंदर राज्य में 12.5 लाख नए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएंगे। तो लगभग 12.5 लाख लोगों के जो बीपीएल कार्ड होते हैं, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनके जो राशन कार्ड हैं वो बनाए जाएंगे, जिसमें आपका परिवार पहचान पत्र जो योजना है वो कहाँ की है? आपकी हरियाणा की। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ सर्वे वेसल्स लार्ज वर्शिप ऑफ द इंडियन नेवी विच हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वेसल, बड़े युद्धपोत का नाम क्या है, ठीक है ना, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? भीम, साधक, अजय, भीष्म या संशोधक। तो इसमें याद रखेंगे जो इसका नाम है वो है आपका साधक। क्या नाम है? साधक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्वे वेसल्स में, सॉरी साधक नहीं होगा, यहाँ पे संशोधक होगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखोगे आप क्या हो जाएगा आपका? संशोधक, ठीक है, नाम क्या होगा? संशोधक। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट होगा, क्या होगा यार, संशोधक, ठीक है, ऑप्शन ई क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा कि उसका नाम क्या होगा? संशोधक, याद रखेंगे संशोधक, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो सर्वे वेसल्स जो SBL प्रोजेक्ट है उसका जो चौथा जहाज है जिसका नाम है संशोधक, ठीक है, जिसको भारतीय नौसेना के कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। आगे बात करेंगे, इस परियोजना में 3 जहाजों को लॉन्च किया जा चुका है, जिसका नाम है आपका संध्यायक, निर्देशक और इच्छक, ठीक है, इनको 5 दिसंबर, 26 मई और 26 नवंबर 2022, 21-22 में लॉन्च किया गया। अक्टूबर 2018 को मेमोरेंडम जो साइन किए गए थे गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता के बीच 4 SBL जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो ये आपको 4 जहाज याद रखने हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा आपका? संध्याक, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? निर्देशक, तीसरा आ जाएगा आपका इच्छक। ये लॉन्च किए जा चुके हैं, और जो चौथा अभी लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? संशोधक। क्या नाम है? संशोधक, ठीक है। तो ये 4 जो आपके पोर्ट हैं, सॉरी जहाज हैं, इनको लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया है कि साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ ग्लाइडिंग, ठीक है, ग्लाइडिंग गैसकोस इन विच स्टेट्स। तो वैज्ञानिकों ने किस राज्य में ग्लाइडिंग गैसकोस की एक नई प्रजाति की खोज की है? नागालैंड, मिजोरम, राजस्थान, मेघालय या गुजरात के अंदर। तो जो आपकी नई प्रजाति ग्लाइडिंग गैसकोस की जो नई प्रजाति खोजी गई है वो कहाँ पर खोजी गई है आपकी? मिजोरम के अंदर। कहाँ पर खोजी गई है? मिजोरम के अंदर, ठीक है। चलिए तो वैज्ञानिकों ने मिजोरम में ग्लाइडिंग गैसकोस की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में जैव विविधता के एक नए स्वरूप का संकेत देता है। साथ ही यह वन्य जीवों के दस्तावेजीकरण के अधिक से अधिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। मिजोरम जो आपका पैरासूट गेको या गेको मिजोरम, मिजोरामेंसिस राज्य के नाम पर रखे गए 14 गेको में से एक है, ठीक है। गेको की 200 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं, जो सभी ज्ञात गैसकोस का लगभग 5वां हिस्सा है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश पेड़ की एक नई प्रजाति की पहचान की है, ठीक है, इसे मियोगिने अरुणाचल लेंसिस नाम दिया गया है। तो जो अभी नई खोज की गई है वो क्या है? मियोगिने, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए इसका नाम अरुणाचल लेंसिस नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका कॉर्मास MC कार्थी हु हैज पास्ड अबे रिसेंटली वॉज अवॉर्डेड बाय पुलित्जर प्राइज फॉर
विच ऑफ हिज बुक, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी जिसके लिए ना पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जो कार्मिक मैकॉर्थी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको उनकी पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कार्मिक मैकॉर्थी की बात करेंगे तो इनको किस पुस्तक के लिए नोबेल मिला, पुलित्जर पुरस्कार मिला था, तो इनकी बुक का नाम था द रोड। क्या नाम था इनकी बुक का? द रोड। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इनकी जो बुक का नाम था वो द रोड था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझेंगे। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता कॉर्मिक मैकॉर्थी का निधन हो गया है। ठीक है, इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। आगे बात करेंगे 1960 के दशक की शुरुआत में इन्होंने फिक्शन लिखना शुरू किया और उनका पहला उपन्यास था द आर्चर्ड कीपर। 1965 में इन्होंने पहला उपन्यास अपना लिखा था। ठीक है, उन्होंने ब्लड मेरिडियन, ऑल द प्रिटी हॉर्स एंड सुट्री शायद 20 से अधिक उपन्यास प्रकाशित किए द रोड के लिए। 2007 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका अगला जो उपन्यास था नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन 2007 में अकादमिक पुरस्कार विजेता फिल्म में रूपांतरित किया गया। तो ये अकादमी पुरस्कार जीता था इनका नोबेल, जिसका नाम था नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। तो आपको ये भी याद रखना है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन ये किसका है, तो आपको याद रखना है ये कौन हो जाएगा, मैकार्थी। ठीक है ना, तो मैकार्थी का ये पुरस्कार है जिसको अकादमिक पुरस्कार मिला था और इनके जो द रोड के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हु हैज बीन लॉन्च्ड ऑनर्ड विद द एस्टीम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो 2023 के लिए सम्मानित गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो गवर्नर ऑफ द ईयर की अवार्ड की बात करेंगे तो ये किसको मिला है, रघुराम राजन हो गया, निर्मला सीतारमन, गोपी गीता गोपीनाथ, शक्तिकांत दास या मोहन भिंडे। तो ये आपका गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपका शक्तिकांत दास को। किसको मिला है आपका? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे शक्तिकांत दास के बारे में। देखो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के सम्मानित आपका गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार लंदन में आयोजित ग्रीष्मकालीन बैठकों के दौरान एक प्रमुख संगठन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, दो शीर्ष पुरस्कार नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर को सम्मानित किया गया। तो इसमें दो लोग और थे जिसमें आपका एक जो बैंक थी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है ना, दिया गया, एक नेशनल बैंक ऑफ द यूक्रेन के नाम से भी ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है आज का जिसमें दिया है कि इंडियन ऑयल कॉर्प्स हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू सेट एनी एविएशन फ्यूल प्लांट्स इन हरियाणा। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्प ने हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, किसने, इंडियन ऑयल कॉर्प ने। ठीक है, हरियाणा का, तो जैसे दिया है आपका लांजा जेट, हॉरिजोन, नानो गैस या टेरसेरा या मेलिंटा पेट्रो। तो यहाँ पे बात करेंगे लांजा जेट हो गया या हॉरिजोन हो गया, नैनो गैस हो गया, टेरसेरा हो गया या मेलिंटा पेट्रो हो गया। तो जो इंडियन ऑयल कॉर्प ने जो हरियाणा में जो आपका मेमोरेंडम साइन किया है वो किया है आपका लांजा जेट के साथ। किसके साथ किया है? लांजा जेट के साथ। तो आपको याद रखना है कि लांजा जेट के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कुछ मेमोरेंडम साइन किए हैं। ठीक है ना, हरियाणा में जो विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक कंपनी है जिसके साथ साझेदारी की है लांजा जेट के साथ। ठीक है, चलिए, इंडियन ऑयल कॉर्प ने हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ सहयोग किया है। लगभग 23 बिलियन रुपए मतलब 280.1 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ इस राजनीतिक साझेदारी का उद्देश्य देश में स्थायी विमानन ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें प्रस्तावित 80,000 टन विमानन ईंधन संयंत्र विमानन उद्योग के कार्बन पदचिन्ह को कम करने के लिए, मतलब कार्बन जो आपका प्रोड्यूशन है, ठीक है, कार्बन का जो प्रोडक्शन है उसको कम करना और इसमें स्वच्छ ईंधन को बनाना, इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे आईओसी, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्रीकांत माधव वैद, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मालिक कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार इसका कौन है? रक्षक है। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। कब हुई थी? 30 जून 1959। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड
एज ए न्यू पावर सेक्रेटरी। तो न्यू पावर सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया? आलोक कुमार, पंकज अग्रवाल, सुदर्शन पंत, चंचल कुमार या रजत कुमार मिश्रा। तो जो आपका अभी नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? तो वो किया गया है आपका पंकज अग्रवाल को। किसको किया गया है? पंकज अग्रवाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है किसके रूप में? नया ऊर्जा सचिव। किसके स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है आलोक कुमार के स्थान पर। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1 जुलाई से पंकज अग्रवाल को नया ऊर्जा सचिव नियुक्त किया है, आलोक कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, पंकज अग्रवाल मध्य प्रदेश कैडर के 92 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगर हम बात करेंगे चंचल कुमार, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास कॉर्प में MD है। ठीक है, सितंबर में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगर सुधांशु पंत की बात करेंगे तो ये 1 अगस्त को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग में सचिव का पदभार संभालेंगे और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय में सचिव हैं। ठीक है, चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष TK रामचंद्रन पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय में पंत की जगह लेंगे। रजत कुमार की बात करेंगे, रजत कुमार मिश्रा जो वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव और उर्वरक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इन जून 2023 विच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैज अवार्डेड एक्रीडिटेशंस एज अति उत्तम। तो इसकी बात करेंगे हम, तो जैसे आपका दिया है भारतीय जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स GIS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। तो जून 2023 में किस प्रशिक्षण संस्थान को अति उत्तम के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो भारतीय प्रशिक्षण संस्थान की भूवैज्ञानिक सेवा, राष्ट्रीय भू सूचना विज्ञान संस्थान GIMS प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान या भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान। तो अगर हम बात करेंगे जो अति उत्तम की प्रशिक्षण संस्थान का जो मान्यता प्रदान की गई है वो की गई है आपका भारतीय प्रशिक्षण, किसको की गई है? भारतीय प्रशिक्षण संस्थान की भू वैज्ञानिक सेवा। ठीक है ना, जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसका ये डिस्क्रिप्शन है जिसमें भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को शिक्षा और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो बाकी इसमें याद रखोगे आप कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, जिसके 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण विभाग हैदराबाद, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता और शिलोंग में स्थित हैं। इसके चित्रदुर्ग, कर्नाटक, रायपुर, जावर राजस्थान और कुजू झारखंड में 4 फील्ड प्रशिक्षण केंद्र भी इसके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से रिलेटेड जो हमने देखे और इनका डिस्क्रिप्शन देखा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर इसी न्यू सेशन के साथ। ठीक है, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।